कुत्ता कैसे मरा? ये अपन को क्यों पूछ रहा है? मेरा कातिल अपनी मर्जी से ट्रेन से कूदा, तू भी तो वही पर था ट्रेन में। अपन को अपने कातिल को जानने का हक नहीं है? वो खुद डर के मारे ट्रेन से कूदा। आप सब सत्या की हालत देख रहे हैं? जिस रहीम का ये केस है उसकी आत्मा ने इसे वश में किया है। सत्या से सवाल इसलिए पूछे ताकि किसी भी तरह रहीम की आत्मा को मजबूर कर सकूं कि वो सत्या के शरीर को अपने वश में कर ले। आसमान के सितारों से कोई तो है यहाँ जिसने रहीम को मारा था। जब तक उसका पता ना चल जाए रहीम की आत्मा इसे नहीं छोड़ेगी। वैसे कौन अपन का खूनी है अपने को मालूम करने का? अगर मैंने इसे कातिल का नाम बताया तो ये यकीन नहीं करेगा। ये सोचेगा कि अपनी बीवी की जान बचाने के लिए मैंने किसी की कुर्बानी दे दी। जब तक कातिल खुद अपना गुनाह कबूल न करे ये नहीं जाएगा। मसकले 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 या। आयो। सत्या। रहीम, मेरी सत्या को छोड़ दे। वादा करता हूँ कातिल खुद अपना नाम बताएगा। ताकत के एक असर से जलकर राख हो जा। कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर विश्वनाथन? रहीम और सत्या के बीच क्या संबंध है? What do you mean? आपने अपने आदमियों से क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला। बोला? जब आपको पता चला आपकी बेटी का कोई पीछा कर रहा है तो आपने अपने आदमियों से उसे मारने को नहीं कहा? सच बता, नहीं तो तेरी बेटी को मार डालूंगा। मसकली मसकली मसकली। बेटी रुक जाओ। बोल 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 बोल। अपनी मौत का बदला मेरी बेटी से मत लो। मैं अपनी बेटी को गुमराह करने वाले को सबक सिखाना चाहता था। अपने आदमियों को खाली हाथ पांव तोड़ने के लिए बोला था, उसे मारने के लिए नहीं। क्या हुआ उस दिन? क्या हुआ सबको बताइए। मुझे जब मालूम हुआ कि उसे कोई परेशान कर रहा है तो सीधा उसके कॉलेज गया। जब मैं उस लड़के के बारे में पता कर रहा था वहाँ वॉचमैन ने मुझे रहीम का नाम बताया। वो नाम सुन के मैं एकदम घबरा गया। उसी रात में लैंडलाइन पर एक कॉल आया। उस कॉल पे एक लड़का बात करता था तो मुझे लगा कि वो रहीम का फोन होगा क्योंकि वॉचमैन ने मुझे बताया था कि रहीम मेरी बेटी के पीछे था। वॉचमैन ने जिसका नाम लिया वो सिर्फ आपकी बेटी का आईपैड लौटाना चाहता था और फोन पर आपने जिसकी आवाज सुनी वो रहीम नहीं बल्कि राहुल था। जब सत्या को रहीम की फोटो लेते देखा तो ये सब मुझसे देखा नहीं गया और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं फोन करके सत्या से इसके बारे में पूछना चाहता था पर मेरी आवाज सुनकर उसको गुस्सा आ गया। उसके बाद मेरे को फोन किया ना तो सीधा पुलिस के पास जाएगी बोल रही है। और उसके बाद उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने उसके लैंडलाइन पर फोन कर दिया पर फोन उसके पापा ने उठाया। सत्या, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए कभी हाँ नहीं बोलेंगे, इसलिए फ्राइडे शाम को कॉलेज के बाहर मुझसे आकर मिलो। हम यहाँ से कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे और एक बार शादी हो गई ना तो वो बुड्ढा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यस। रहीम की आवाज सुनकर उसके पापा ने फोन काट दिया। और तो और उसने मेरा नाम तक नहीं पूछा इसलिए मैं कंफर्म हो गया था कि सत्या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। इन्हें गुमराह क्यों किया? बताता हूँ, मुझे और मेरे प्यार को रिजेक्ट करने वाली सत्या और उसके आशिक को मैं बहुत बुरी सजा देना चाहता था। यही सच है, मैं रहीम का खून नहीं किया और ना ही किसी को उसका सुपारी दिया। पहले ये बताइए आपने अपने आदमियों से क्या कहा था, फिर रहीम के साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। ओ, फोन कॉल के चक्कर में आके मैं अपने आदमी को बुलवाया। साहब वो बिरयानी बनाता है। एक बावर्ची का इतना डेरिंग कि मेरा डॉटर को भगाएगा? छी! सर मैंने देखा कि सत्या उस लड़के का फोटो ले रही थी। उस लड़के का फोटो दिखाने के लिए सत्या का आईपैड ले आया। इसमें उस लड़के का फोटो है, आप भी देख लीजिए। मेरे को उसका फेस नहीं देखना। मेरा डॉटर को भगाने वाले को कभी अपना पैरों पर नहीं चलना मांगता। उसको हमेशा के लिए अपाहिज बना दो। ये लो 2 लाख एडवांस। उसका गेम कैसा बजाएगा ये अपन नहीं जानता। बिना सच जाने अपन ने बहुत बड़ा गलती कर दिया। एक मासूम लड़के को सजा दे डाला मैं। अपन उसे जान से नहीं मरवाना चाहता था। रहीम, अपन सॉरी बोलता है। मेरा डॉटर को छोड़ दो, मेरे को सजा देकर चलेगा। मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है रहीम। मिस्टर विश्वनाथ, तुम्हारे आदमियों ने डेविड को पैसा दिया रहीम के हाथ पैर तोड़ने के लिए, लेकिन इस बात का फायदा किसी और ने उठाया। रहीम का खून डेविड ने नहीं किया था, रहीम का खून किसी और ने किया है। शिकार घर से निकला है, जल्दी पहुँचो। क्यों रे, अपने ससुर को बचाना चाहता है ना? आप देख क्या करता हूँ।
बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारे आईपैड लौटाने के बाद क्या हुआ था इसका मैंने पता लगाया है। सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने ऐसा किया। अगर जानना चाहते हो कि तुम्हें किसने मारा तो नीचे आओ। मैंने संगीता के कहने पर तुम्हारे इस केस को रीओपन करवाया, अपने बीवी की जान दांव पर लगाई, और तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि वो प्रेग्नेंट है। तुम्हें बच्चे की कोई परवाह नहीं और खुद को नेक आत्मा कहलाते हो। तुम सिर्फ अपने कातिल का नाम जानना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें एक शरीर चाहिए। तो मैं तुम्हें अपना शरीर सौंपता हूँ। मेरी पत्नी को छोड़कर बाहर आओ, मेरे शरीर में आओ। बेटा, मेरा बेटा। भाईजान, अपन अपन ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, फिर भी किसी की वजह से बिना कोई सुख देखे भरी जवानी में जान गंवा दी। भाईजान, जानते अपन की ख्वाहिश क्या थी? अपन अपनी कमाई से गरीबों का पेट भरना चाहता था। उसके लिए अपन उम्र भर मेहनत करने को भी तैयार था। इंसान गलती कर दे तो उसे माफी मिल जाती है, पर अपन तो एक रूह है। अपने कातिल को ढूंढने का हक नहीं अपन को। अपने को मारने वाले का नाम एक बार बता दो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग अपने को बुजदिल समझेंगे, खुदकुशी करने वाला समझेंगे। भाई ज्यादा अपन तुम्हारा पैर पड़ता है, एक बार उसका नाम बता दो कौन है वो? मेरे शरीर को वश में करो, मैं तुम्हें तुम्हारे कातिल के पास लेकर जाऊंगा। आ रहा हूं। जल्दी करो, वो आ रहा है। वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। यार पर कैसे हुआ? ये क्या हुआ? मसकली 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 मसकली
अगेन। अपुन ने रहीम को नहीं मारे ला मक्का। कोई चाहे बड़ा गुनाह करे या छोटा, खुदा उसका इंसाफ जरूर करता है। सबका दिन आता है। तू जानता है तेरी गलती क्या थी? तेरा आरटीजीएस। हाँ, डेविड को पैसे मिले थे मुझे अपाइज बनाने के लिए, लेकिन तूने उसे सुपारी दी मुझे मारने के लिए, है ना? अच्छा, नहीं समझा? पुलिस वाले का भेजा, बिरयानी बनाने वाले की ताकत, एक फोन, दो सिम कार्ड्स, दोनों एक्टिवेटेड हैं। कैसा लगा? आप उनको मत मार, आप उन तेरे को सब कुछ बता देगा। बोलो बोलो। अपुन रेस कैसे जीतेगा रात दिन यही सोचने लगा। डेविड अपुन से लिया हुआ उधार चुकाने आया था। ये लो बॉस, अपना रोकड़ा पकड़ो। और ब्याज भरने का हिम्मत नहीं अपुन के अंदर। अपना अकाउंट क्लोज। हाँ, अबे तेरे जैसे आदमी को इतना पैसा कौन दिया रे? डेविड ने बताया कि बिल्डर विश्वनाथन ने किसी के हाथ पैर तोड़ने के लिए पैसे दिए थे, और उसके बाद उसने अपुन को आईपैड में तुम्हारी फोटो दिखाई। किस्मत ने खुद अपुन का दरवाजा खटखटाया था। रहीम को मार डाल, उसके लिए 3 लाख दूंगा। ये ले, 2 लाख का एडवांस पकड़। कुछ गड़बड़ हुआ तो बिल्डर पर इल्जाम डाल देना। सच्चाई पता चल गई या बाहर आ? रहीम, आज तुम्हारा केस ये शिवा, ऑफिसर शिवा क्लोज करता है। अब तुम अंकल का चैप्टर क्लोज करो। मजक कली मजक कली मजक कली। Yeah!